इश्यूज में आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल हमें नॉर्मलाइज करना है अपने कंडक्ट को हमें एग्रेसिव नहीं होना हमें चीजों को परखना है समझना है और फिर अपने रिएक्शन को बड़े काम तरीके से वो प्रेजेंट करना है हमें सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है ताकि कहीं पर भी हम कोई ऐसा लूप होल ना छोड़ें कि जिसकी वजह से कोई एग्रेशन वो क्रिएट हो रहा हो और हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरफ कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन की तरफ वो जा सकें सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जब हम अंडरलाइन इश्यूज की बात कर रहे हैं वी हैव टू लेट अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम दूसरे शख्स को इंपॉर्टेंस देते हैं तो ऑब्वियसली वो शख्स का मोरल वो बूस्ट करता है और उससे वो बेहतर पॉजिटिव ओपिनियंस के साथ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ अपने आप को प्रेजेंट वो कर सकेगा तो हमें दूसरे शख्स को इंपॉर्टेंस देनी है उसको एक वक्त देनी है ताकि वो शख्स बेहतर तौर अपने इजहार को वो बयान कर सके थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली रिलेटेड टू द कोलेबोरेशन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान भी करें और साथ ही साथ हमारे अंदर कोऑपरेशन भी हो कोलेबोरेशन करने के लिए ताकि हम गिव एंड टेक के असूल के तहत बस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडरस्टूड को समझते हुए हम चीजों को अपने पाया तक मिल तक वो पहुंचा सकें सो कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक हम दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपरली बयान नहीं कर पाएगा और हम भी नहीं समझा पाएंगे कि हमारा कंसर्न वो बेसिकली क्या है अनदर इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिकलीट ने रिकॉल दैट इमोशन फ्रॉम द पास्ट आर गोइंग टू टिकल योर प्रेजेंट बिकॉज माजी में अगर कभी कोई कमी कोताही हुई भी अगर कोई जज्बात की ज्यादा हुई भी तो उसका मतलब यह हरगिज़ नहीं होगा कि आप हाल को वो खराब करें सो so, हमें फोकस इस बात पर करना है कि मौजूदा सरकमस्टांसिस के अंदर फ्यूचर बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं और किन एहसास और किन जज्बात का हमें इजहार वो करना है एट द सेम टाइम यह समझते हुए कि दूसरा शख्स क्या फील करेगा टू वॉच द लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ टॉक ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें कभी भी एग्रेसिव पर्सन को वो याद नहीं दिलाना कि दैट पर्सन वॉज अग्रेसिव सम्मी डिफेंसिव एटीट्यूड की तरफ वो चला जाएगा Another very important thing is that we have to understand के लोग डिफेंसिव हो सकते हैं because obviously जब वो अपने व्यू पॉइंट को defend करने की कोशिश करेंगे तो उनका रद्दअमल वो डिफेंसिव कंसर्न के अंदर वो आएगा और उस डिफेंसिवनेस के, के अंदर हमें समझना ये है कि चीजों की रीजन एंड लॉजिक क्या है उसकी रैशनैलिटी क्या है बिकॉज एंडल हम उस रैशनैलिटी को अंडरस्टैंड ना करें तो सिर्फ जज्बात की रो में हम शायद पूरी तरीके से अगले की बात को समझ नहीं सकेंगे इंपॉर्टेंट थिंग इज आप कभी भी अगले शख्स को इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में वो लेबल या टैग नहीं करें बिकॉज उससे आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन क्रिएट होगी उससे क्रिएट कर सकता है उससे हॉलो इफेक्ट आ सकता है ये सब तरह तरह के ह्यूरिस्टिक्स हैं जजमेंटल शॉर्टकट हैं जो दरअसल आपके डिसीजन मेकिंग को कमजोर वो बना देंगे इसी तरह याद रखिएगा कि आपने जब अगले शख्स के साथ कलाम करना है आपने जब उसके साथ ताल्लुक कायम करना है आपने बातचीत करनी है तो आपको अपने एक्सप्रेशन और अपने जजमेंट इन सब चीजों को बड़ा कंट्रोल करना है आपको अपने इंप्रेशन मैनेजमेंट की तरफ जाना है बिकॉज आपका दिया हुआ इंप्रेशन इज बेसिकली समथिंग द अदर पर्सन इज गोइंग टू कैरी हो सकता है कि वो आपके अल्फाज कुछ देर में भूल जाए लेकिन जो इंप्रेशन आप उसके ऊपर इंपैक्ट करोगे जो उसके ऊपर आप आ, पेश करोगे दैट इज गोइंग टू प्रोलॉन्ग फॉर अ अगर पीरियड ऑफ टाइम डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि इंप्रेशन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप कौन से अल्फाज यूज कर रहे हैं आपका अंदाज क्या है आप किस तरह से अपना अमल शो करते हो ये तमाम तर चीजें मिलकर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर वो बनाने में मदद देंगी और आप सही तरीके से सिचुएशंस को टैकल वो कर सकोगे थैंक यू